दोस्तों मध्य प्रदेश की सीधी जिले की टेढ़ी घटना ने मनुष्यता को शर्मसार किया है। शर्मसार कैसे किया है? दरअसल सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ता ने एक आदिवासी युवक के सर पर पेशाब कर दिया। पेशाब कर न सिर्फ उसने लघु शंका की है बल्कि बकायदा वीडियो बनाकर उसे सार्वजनिक भी कर दिया। सार्वजनिक करके उसने क्या करने की कोशिश की कि उस क्षेत्र में उसका अपना एक कद है, शायद यही बताने की कोशिश कर रहा था वो। खैर, वीडियो वायरल होती है और उसके बाद क्या होता है, अगले ही दिन मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान उस आदिवासी युवक को एक बड़ी हासी कुर्सी पर बैठाते हैं और उसके ऊपर शॉल ओढ़ा जाता है, उसके पैर धोए जाते हैं और उसको सांत्वना के दुःशब्द के तौर पर कहते हैं कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं तुम्हारे जैसे हर उन लोगों का दोस्त हूं। ये ऐसा करके सरकार ने क्या करने की कोशिश की है, सीधे तौर पर डैमेज को कंट्रोल ही तो करने की कोशिश की है। जो रायता आपके सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ता ने फैलाने की कोशिश की है उसे ही तो आप ही कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, सिर्फ मैं इतना कहूंगी कि मध्य प्रदेश में चाहे किसी की भी सरकार हो, आज तक उस सामंती मानसिकता को समाप्त करने में कोई भी सरकारें जो हैं वो कभी कामयाब नहीं रही हैं। इस घटना के सामने आने के बाद हम तो ये भी कहेंगे कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सत्तारूढ़ दल की ओर से जो योजनाएं शुरू की गई है ना, चाहे वो लाडली बहना के तौर पर शुरू की गई योजना हो या फिर वो मुख्यमंत्री कमाओ खाओ योजना के प्रचार प्रसार के तौर पर खर्च किए गए पैसे ही क्यों ना हो, तो कहीं ना कहीं वो जो एक अभियान है उस पर इस घटना ने आज पानी फेर दिया है। तो ऐसे में दाग ये जो लग गया है आपके ऊपर, क्या कुर्सी पर बैठाकर वो जो दाग हैं, पैर छूकर वो जो दाग हैं, क्या वो धुल जाएंगे? शायद नहीं। ये घटना सिर्फ एक आदिवासी के उत्पीड़न की नहीं है, अपितु ये एक घटना जो है वो एक ऐसी मानसिकता की है जिसे सिर्फ सत्तारूढ़ दल ही नहीं बल्कि बाकी राजनीतिक दलों को भी सामने आके आना चाहिए, राजनीति से ऊपर उठकर इस पर सोचना होगा, उस सामंतवादी मानसिकता को खत्म करना होगा, नहीं तो ऐसी घटनाएं निरंतर हमारे और आपके बीचों बीच आती रहेंगी।